नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। गोरखपुर में एक उद्योगपति के गार्ड द्वारा युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उद्योगपति की बंद पड़ी फैक्ट्री में क्रिकेट का बॉल लेने चला गया और फिर उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। किसान की सोते वक्त बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। गोरखनाथ थाने को घेर कर खड़ी ये भीड़ चाहती है इंसाफ और इंसाफ की गुहार भी लगा रही है। आखिर क्यों मांग रही है ये भीड़ इंसाफ, ऐसा क्या हुआ? दरअसल एक बॉल को लाना एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि बात उसकी जान पर ही बनाई। जफ्ती टोला निवासी अरविंद अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट खेलते हुए बॉल उद्योगपति चंद्र प्रकाश जायसवाल की बंद पड़ी फैक्ट्री में चली गई, जिसे लेने के लिए कुछ युवक फैक्ट्री के अंदर चले गए। ये बात फैक्ट्री के बगल में मौजूद चंद्र प्रकाश के घर पर तैनात गार्ड को इतनी नागवार गुजरी कि उसने युवकों को ललकार कर दौड़ा दिया और अपनी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से अरविंद मौके पर ही गिर पड़ा और ये देखकर गार्ड वहां से फरार हो गया। गार्ड का नाम संदीप बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस गार्ड की तलाश में जुट गई है। प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई, उसमें एक पुलिस सुरक्षा गार्ड जो है जो एक उद्योगपति उनकी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो उनका है एरिया, उसमें उस बंदे ने गोली चलाई जिससे एक लड़की को गोली लगी है, जो फिलहाल डॉक्टर्स के हिसाब से प्राथमिकता खतरे से बाहर है। और हमने उसमें जो तहरीर है हमें प्राप्त हुई, जैसी तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। और जो बंदूक के इस्तेमाल की थी वो समौता हमने ले ली है, उसको सीज कर लिया है। और जो गार्ड है उसको काफ़ी लोगों ने घेर लिया था, इस वजह से शायद वो अचानक से वो जो है किसी तरह से गायब हो गया है और उसने अपना स्विच ऑफ कर लिया है। पुलिस ने कई टीमें बनाकर के उनकी तलाश कर रहे हैं और जैसे ही पकड़ में आएगा चीज़ें सामने आएगा। सर, फायरिंग की वजह कुछ पता चल पाई शुरुआती जांच? प्राथमिकता तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि आपस में इनका जो है संदेह था, उसको भी एक घुस रहा है घर में और जो दूसरी पार्टी उसका कहना शायद बॉल लेने के लिए आ रहा था, इस तरह का बीच में जो है आपस में उनमें कुछ संदेह था कि उस कुकल में जो है गोली चली थी। और सर, इस मामले में व्यापारी का कुछ कहना है? व्यापारी से तो व्यापारी घर में जो मेन व्यापारी नहीं थे, सुरक्षा गार्ड बाहर मौजूद था, तो इसमें जब तक सुरक्षा गार्ड सामने नहीं आता है या हम उसको पकड़ नहीं लेते तब तक केस में कुछ कहना मुनासिब। बॉल खेले थे तो बॉल मारा बाउंड्री के अंदर चला गया, बाउंड्री के अंदर बॉल लेने गया, वो बॉल लेने गया, उसके बाद वो तुरंत वहीं से सब लोग दो तीन लोग चले गए थे अंदर, बॉल घोज रहे थे तब तक वो गन लेके आया, ये सब भागे मतलब उतरे तब तक गोली चला दिया वो सीधे। उधर से गार्ड उसका था कोई अंदर जाल फैक्ट्री में, संदीप नाम का है वो, संदीप नाम चंदू जलान की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई इस समय, उसमें आवास है उनका, वहीं पर रहते हैं और वो थोड़ी खाली जगह पड़ी है वहाँ पर। बॉल जाने के लिए गोली चला दी? हाँ, बॉल लेने गए थे हम लोग, बस बॉल जाने के लिए गोली चला दी। हम भी खेले थे, हम साथ में ढेर सारे ये सब खेल रहे थे हमारे साथ में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अनुराग चौहान। मैदान वहाँ पे जब टीएम विकास नगर में, वहाँ पे बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल वहीं बाउंड्री वाल है चंदू अग्रवाल का, तो बॉल अंदर चली गई बाउंड्री में, बाउंड्री में हम लोग बॉल निकालने गया, अरविंद बाउंड्री के कॉर्नर पे खड़ा था ऊपर और दो लोग अंदर घुसे और गार्ड आया उधर से दौड़ते हुए, ब्लैक कलर का पहना था, सबका संदीप नाम है उसका, आते ही तुरंत वो गन लिया था, मशीन गन बड़ा सा, इतना बड़ा था, एक फीट का और इतना मोटा था, राइफल नहीं था, तुरंत आगे गोली फायर कर दिया, अरविंद तुरंत दीवार पर से गिर गया, हम लोग तुरंत उठा के मेडिकल कॉलेज ले गए उसको, वहाँ से रिफर कर दिया PGI। कहाँ पे लगी है उसको? उसको सर पे यहाँ पे गोली लगी है और इस रास्ते यहाँ पे आँख पूरा बाहर आ गया, ये सामने वाला पोर्शन ये पूरा बाहर आ गया, ये बाहर निकल गया है, गोली यहाँ पर है अभी ऐसे फूला हुआ है। जिसके घर ये घटना हुई उसका क्या नाम है? उसका अरविंद चौहान नाम है, जिसको चोट लगा है, उसके पिताजी का नाम। किसके घर में गई थी बॉल? घर नहीं है सर, जैसे वो फैक्ट्री था, फैक्ट्री बहुत साल चंदू अग्रवाल का, बहुत पहले फैक्ट्री बंद हो चुकी है, फैक्ट्री वहाँ से आवासी है ना, तो इसीलिए चंद वहाँ से फैक्ट्री हट गई है, तो एकदम ईटा उटा फेंका हुआ है, वहीं पे गया था बॉल निकालने, गार्ड आया तुरंत गोली फायर कर दी बिना कुछ बोले।
बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके के गांव लालनेर में ट्यूबवेल पर सोते वक्त एक किसान को मौत की नींद सुला दिया गया। किसान का नाम संतोष बताया जा रहा है, जिसकी बड़ी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। किसान के परिजनों ने दो लोगों पर कार्यवाही की मांग की है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सर, एक पहासू थाना क्षेत्र के गाँव लालनेर में एक किसान की हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है? रात में संतोष सनाप छत्रपाल निवासी लालनेर के रात में ट्यूबवेल पे सोते वक्त धारदार हथियार से मार के हत्या कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन तहरीर दी जा रही है परिवारजनों द्वारा, मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की गई। परिजनों ने सर हत्या का आरोप किस पर लगाया, कौन लोग हैं? अभी तो लगा रहे हैं जिनका ट्यूबवेल है उनके ऊपर लगा रहे हैं, उनका निम्न कर रहे हैं उनको, और आगे भी कार्रवाई की जाएगी किसकी संलिप्तता है। कितने लोग सर इसमें निम्न किए? दो लोग। डीजल टैंकर में लगी आग, जिसके कारण दो से तीन लोगों के गंभीर रूप से झुलसने की आशंका जताई गई। ये हादसा घनी आबादी के बीच हुआ। आग लगने के तकरीबन एक घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। झुलसे हुए व्यक्तियों को आग बुझाकर निकालने का प्रयास किया गया। ये घटना सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के खड़िया बाजार की है। शक्तिनगर पुलिस समेत डायल 100 भी मौके पर मौजूद रही। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव खबर।